ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम मेरे आसपास हो, यहीं कहीं मेरे पास। सुमित, बहुत जल्द यहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगा और तुम्हारे पास लौट आऊंगा। हम पाकिस्तान पहुंच गए। प्यारे उस लोग, या किसी सरहद के बस में नहीं, इन्हें रोकने की हिम्मत तो खुद भगवान भी नहीं करते। जहां से इनकी सवारी निकलती है वहाँ लोग अपना सर झुका के इनके जयकारे लगाते हैं, ना कि इनका रास्ता रोकते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। बहुत हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिट्टी की मूर्ति है और कुछ नहीं। अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि ये तुम्हारे भगवान है तो करो फरियाद इनसे, कोई ऐसी जादूगरी करें और अपने लिए यहां से सरहद पार तक के लिए रास्ता बना दें। हम भी तो देखें तुम्हारे बप्पा का करिश्मा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया।
हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है और प्यार एक बार होता है। ये डायलॉग सुना है शाहरुख खान का? डीडीएलजे 36 बार देखी मैंने। मैडम ये डायलॉग डीडीएलजे का नहीं, कुछ कुछ होता था। वही तो। वैसे तुम्हारा हिंदी फिल्मों का जीके तो बड़ा कमाल का है, ऐसे कैसे? बोलो बोलो। वो क्या है ना कि दो अलग अलग देशों में रहने के बावजूद हमारे शौक, पसंद, नापसंद वो तो एक जैसी हो सकती है ना? वो क्या है, जिस तरह तुम्हें हिंदी पिक्चरों का शौक है उस तरह मुझे भी हिंदी पिक्चरों का शौक है। हाँ दो। लगता है हम दोनों की खूब जमेगी। तुम्हें पता है मुझे भी ना हिंदी फिल्मों का और उसमें दिखाई जाने वाली रुमानी मोहब्बत और रोमांस भरी कहानियों का बड़ा शौक है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में भी ऐसी ही मोहब्बत। तो जनाब हमसे निकाह करना इतना भी आसान नहीं है, ऐसी हानि बोलने वाली हूँ मैं तो किसी ऐसे से निकाह करूंगी जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। तो जनाब अगर आप मेरे दिल में मोहब्बत जगा सके और अपने इश्क में मुझे दीवाना बना सके तो ही मेरी ना हाँ में बदलेगी, वरना आपको यहां से खाली हाथ जाना होगा। दिमाग हमारे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे हुई भाईजान? तरीका ही तो बदल गया है मोहतरमा। पिछली बार जब आप मिली थी तो शेरनी की तरह दहाड़ रही थी और अब एकदम चुहिया बन गई हैं। रुकिए, अकेले अकेले कहां चली आप? आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है, आप ही ने तो कहा था कि आप पड़ोसी मुल्क से हमारे मुल्क में कल्चर की अदला बदली करने के लिए आई हैं। तो देखिए जब आप हमारे मुल्क में आ गई हैं तो हमें आपको यहां का कल्चर और यहां के तौर तरीकों के बारे में तो बताना ही होगा। हमारे यहां पे औरतें अकेले बाहर नहीं जाती हैं। आपके साथी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई? यहाँ से सिंगर हायर किया था, उसने भी धोखा दे दिया। अब समझ नहीं आ रहा बिना सिंगर के हम इवेंट कैसे करेंगे। गणेश जी खुद विघ्नहर्ता है, दिक्कत कैसी होगी? गणेश उत्सव बहुत अच्छे से मनेगा, जरूर आइएगा। सुनिए फिलहाल ये बुरखा अपने साथ रखिए, अकेली हैं, अनजान हैं, न जाने कहां आबरू बचाने के लिए बुरखा आपके काम में आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी मुंह छुपाते फिरने का वक्त आ जाए। मुझे अपनी सेफ्टी के लिए इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। जब मर्दों की नजर ही खराब हो तो कोई भी हिजाब औरत की आबरू नहीं बचा सकता। तो जनाब को कैसा लगा यहाँ का शॉपिंग मॉल? ऐसा है कि अमेरिका में तो ना ब्रांड्स के नाम पे बोरिंग स्टोर्स खोल के रखे हुए। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वैसे स्टोर्स नहीं है, पर मॉल में शॉपिंग करना कितना बोरिंग हो जाता है। आई मीन यहाँ देखो जे ना ऐसे शोर शराबा, खाना पीना, गॉसिप्स, रोमांटिक कपल्स का हाथों में हाथ डाल के शॉपिंग करना बेहद पसंद है। तो हमारे यहाँ भी सेम टू सेम ऐसा बाजार है, चांदनी चौक। चांदनी चौक की रौनक कितना कम। यूएस में चांदनी चौक एक्चुअली एक इंडियन मॉल है वहां पर,
it's based on Indian theme. Chandni Chowk ka replica hai. You know, it's a very nice place. बहुत अच्छी जगह है. होगा, पर हमारे पाकिस्तान से बेहतर कुछ भी नहीं. खैर, तुम ठहरे यूएस के सॉफ्टीज, पाकिस्तान की हीट और यहाँ की आबो हवा में सांस लेना हर किसी के बस की बात नहीं है. तो बेहतर होगा अगर आप चले जाए वापस अपने यूएस. आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा सा ज्यादा बोलती हैं? ओ भाई, भाईजान, क्या कर रहे हैं आप? भगवान का पोस्टर है, क्यों निकाल रहे हैं? और ये कौन से अपने भगवान है? ये पड़ोसी मुल्क के भगवान है. तू बड़ी वकालत कर रहा है क्यों मिया? हिंदुस्तानी है. बीबी जी, पैसे तो देते जाइए, तभी तो काम होगा. भाईजान, दूसरे मजहब के लिए अगर दिल में थोड़ी सी इज्जत रख लोगे ना, तो गुनाह नहीं हो जाएगा, बल्कि आपके मजहब की दुनिया में वाह भाई होगी, रुतबा बढ़ेगा. मजहब क्या है तेरा? कहीं तू हिंदू तो नहीं जो इतनी वकालत कर रहा है भगवान की? ये आदिल है, यूएस से आए हैं. नाज बीबी, आप? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ये हमारे मेहमान हैं. गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं. मैं भी देखता हूँ वो अमेरिका से आया शहजादा कैसे तुझसे निकाह करता है. जब तेरे सर पे खूबसूरत बाल ही नहीं रहेंगे तो हाँ लड़कियों को खुलेआम बेइज्जत करता है. तो मैं तेरे बाल काटता हूँ, फिर तू भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा ना. रोम झाड़ता है, ताकत दिखाता है, मर्द बनता है. तुझे मर्द बनने की असली मायने आज मैं सिखाऊं. मर्द वो होता है जो औरत के सामने सर झुकाए, और जो औरतों के सामने आंखें उठाता है उसकी आंखें निकाल जाती है. पसंद और नापसंद हर किसी का हक होता है. ना तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम घबराओ मत, पर जिसने गलत किया है उससे जरूर घबराना चाहिए. उठो, इन जैसे लड़कों को सबक तभी सिखाया जाएगा जब तुम जैसी लड़कियां ने जोर से खींचकर थप्पड़ मारेंगी. नाज उठो, कम ऑन नाज. जाने दो आदिल मियां, सब लोग देख रहे हैं. अगर भाईजान को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे. भाईजान से मैं बात करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ. और जहां तक बात रहेगी इन लोगों की, लोगों का काम है कहना, उंगली उठाना. और इन जैसे लोगों की वजह से ऐसे लड़कों को मौका मिलता है फायदा उठाने का. नाज, आके अपनी भड़ास निकालो, भड़ास निकालो अपनी, मारो इसे. आदिल मियां, तुम तो गए. राजा मियां, आप भी नहीं छोड़े जाएंगे. जनाब, देखिए इनके बैग से क्या मिला है. Thank you.
तो गणेश उत्सव की आड़ में ये करने आई थी तुम यहां ड्रग्स? जमा करो इसे। तुम सब लोगों को अब मैं जेल की सलाखों के पीछे सड़ाऊंगा, इतना सड़ाऊंगा कि तुम सब की रूह कांप उठेगी। मारो इन दुश्मनों को, मारो मारो, ये हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, ये हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, मारो इन दुश्मनों को, मारो। देखा तुमने बिलावल से टकराने का अंजाम क्या होता है? सुमित, ये सब, ये ड्रग्स कहां से आया? लगता है खौफजदा होकर तुम पागल हो गई हो, इसीलिए मुस्कुरा रही हो, और या फिर तुम वाकई में बहुत बड़ी बेवकूफ हो जो मौत को सामने देखकर भी मुस्कुरा रही है। डरते वो लोग हैं जिन्होंने कुछ गलत किया। जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो मैं डरूंगी क्यों? लगता है मोहतरमा की अकड़ निकालनी पड़ेगी। इन सबको बाहर लेके जाओ जनाब। इन दुश्मनों को छोड़ना नहीं। चलो बाहर चलो। अब जाकर फंसी है मेरी बहन। राज अभी बुरी तरह अपनी बहन सुमित की टेंशन में डूबा हुआ है। ऐसे में जब प्रियंका ऐसे तड़कीले भड़कीले कपड़े पहन के सबके सामने जाएगी तब होगा तमाशा। और राज को समझते देर नहीं लगेगी कि प्रियंका उसके लायक ही नहीं है। आइए आदमी आइए, तशरीफ रखिए। अरे आप रिंदी, मैं कर लूंगा। अरे बैठिए तो सही। वो क्या है आदिल मियां, नाज सिर्फ हमारी बहन ही नहीं, हमारे कलेजे का टुकड़ा है। आपसे रिश्ता जोड़कर यूं समझ लीजिए हम अपना जिगर निकालकर आपको सौंप रहे हैं। ये है मुर्ग मुसल्लम, ये है मटन कीमा, वो है स्पेशल चिकन बिरयानी। एक नवारा लेके आपको दिखाते हैं। मुझसे नॉन वेज खाया ही नहीं जाएगा, कैसे खाऊंगा कैसे खाऊंगा। भगवान जी मुझे माफ कर देना, मुझे नॉन वेज खाना ही पड़ेगा। नहीं, इतना बड़ा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। खाना जो भी हो पेट भरने के लिए होता है, आजमाइश के लिए नहीं। और भाईजान आप भी, अपनों पे भी आप अपनी पुलिसगिरी दिखाने लगते हैं। बताओ, अपने तफ्तीश का शौक पूरा करने के लिए आप इनकी जान खतरे में डालेंगे क्या? सलीम मियां, ये सारा नॉनवेज खाना यहाँ से लेके जाइए। जब तक आदिल मियां घर पे है, घर पर कुछ भी नॉनवेज नहीं बनेगा। और हमने भी फैसला लिया है, आदिल मियां की तरह हम भी वीगन हो जाएंगे। आइए आइए, इधर आइए। हमारी प्यारी बहना मियां, हमें माफ कर दीजिए, क्या करें, हमारी मजबूरी है भाई, पेशा ही कुछ ऐसा है हमारा। ये हमारे अंदर का जो पुलिस वाला है ना, ये हमें छोड़ता ही नहीं है। एक बात कहें, हमारी ये प्यारी बहना आपसे बे इंतहा मोहब्बत करने लगी। देखिए, आपके लिए तो इसने अपना पसंदीदा टंगड़ी कबाब और गोश्त छोड़ दिया। लगता है आप काजी साहब को बुलाकर जल्दी मंगनी की तारीख निकालनी पड़ेगी। हम
नाज बहुत अच्छी लड़की है, मैं इसकी फीलिंग से खेल नहीं सकता। इसे बताना होगा कि वो जो सपने बुन रही है उस पर सिर्फ सुमित का हक है। अरे ये कागज क्या दिखाओ? जी ये अखबार, वो लड़की जो इंडिया से आई है ना गणेश त्योहार के लिए, उसी ने बांटा है। गणेश त्योहार? कौन सी लड़की है? एक चुईया सी लड़की। गणेश त्योहार मनाने के लिए हमारे मुल्क में आई है, उसी के लिए गवैया ढूंढ रही है। गणपति उत्सव हमारे मुल्क में, मतलब मेरा काम बन गया। ऐसे पता है, हमें तो लगता है ना कि सिर्फ सरहद पर ही आग का दरिया है, दोनों तरफ की आवाम के दिलों में तो मोहब्बत ही है। वैसे आपा, हम छुप छुप कर फोटोज इसलिए खींच रहे थे क्योंकि हमें कुछ कैंडिड फोटोज लेनी थी। जितने मन चाहे उतनी फोटोज लीजिए, आपकी जमीन पर खड़ी हूँ। ये क्या कर रही है? ये हमारे यहाँ हर देवता की अपनी सवारी होती है। ये नंदी महाराज है, भगवान शिव उनकी सवारी। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि नंदी के कानों में जो भी दुआ मांगो वो पूरी हो जाती है। सच में? क्या आप यकीन करती हैं इसमें? बिल्कुल। मेरे श्लोक को मुझसे मिलवा दो। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए। इश्क हम आदिल से करते हैं उतनी ही मोहब्बत वो भी हमसे करने लगी। जिक्र तो हमारा भी हुआ होगा फसाने में, तो क्या हुआ? तो थोड़ी देर हुई आने में। दरअसल क्या है ना, मेरा एक दोस्त है, पाकिस्तान में ही है, तो उसे एक लड़की पसंद है इंडिया में, तो वो इंडिया जाने की कोशिश कर रहा है पर उसे वीजा नहीं मिल रहा है। अरे। तो अब वो जाना चाहता है इंडिया, उसे शादी करना चाहता है पर कैसे जाए? भाई मतलब के दो मोहब्बत करने वालों के बीच सरहद की दीवार आ गई। एक काम कर बच्चा, तू है ना गफूर भाई से मिल, वो उस लड़के की मदद करने का कोई इंतजाम कर देंगे। गफूर भाई? दादू ये बात किसी को पता तो नहीं चलेगी ना? फिक्र ना कर आदिल, इस बुड्ढे की जबान नहीं खुलेगी। हाँ तुझे भी एक वादा करना होगा जी, के उस लड़के की मदद करके जब वापस आएगा तो तू मुझे वापस ये गीत सुनाएगा। हाँ माशाल्लाह, तेरी आवाज में इस गीत के बोल खनक उठती है। वाह सुभान अल्लाह, क्या क्या आवाज है, वाह। वादा कर दो बप्पा, अब सब कुछ आप ही के हाथों में है।
सुमित, बप्पा ने तेरी सुन ली, गाने के लिए एक लड़का आया है, पतला दुबला सा, लेकिन हैंडसम, टॉल, गुड लुकिंग है यार। श्लोक, श्लोक, मोहतरमा वो हमने इश्तेहार देखा था, हम यहाँ गाना गाने आए। हाँ हाँ, हमने इश्तेहार दिया था। पोस्टर तो मैंने पूरे शहर में लगवाए थे, श्लोक ने कैसे नहीं देखा? कहीं ऐसा तो नहीं श्लोक किसी मुसीबत में हो? कहीं श्लोक को यहाँ आते हुए पुलिस ने तो नहीं देख लिया? बहुत शातिर था वो हिंदुस्तानी जासूस श्लोक, पर चूहा चाहे जितना भी होशियार हो, उसके नाम की कोई ना कोई चूहेदानी होती ही है जिसमें जा फंसता है। इस हिंदुस्तानी को हम ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां से ना इसकी कोई खबर आएगी और ना ये खुद वापस आएगा। क्या लगा था इसे? बड़ा गुमान था इसे अपने आप पर कि बिलावल से टकराएगा और फिर भी इसकी सांसें चलती रहेगी। रोएगा, तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। अरे यार, कहाँ फंस गया हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ यार? बस लाख रुपए अरेंज करना है, कैसे करूंगा इस देश में, और वो भी इस जल्लाद बिलावल की नजरों से बच के, कैसे करूंगा मैं यार? आदिल, ये देखो कैसे है ये भाईजान ना, ये सब अभी लॉकर से लेके आए। पता है क्या, ये जो हार है ना, ये हमारी अम्मी जान का हार है, और हम जब भी उनसे कहते थे ना कि हमें ये हार चाहिए, वो हमेशा एक ही बात बोलती थी, तो निकाह कर ले, उसके बाद ये हार तेरा हुआ। देख रहे हैं आदिल मियां, गहने खुलते ही निकाह की बात शुरू हो गई। पहले तो बहुत नखरे करती थी कि हम निकाह नहीं करेंगे, और अब देख लो, इसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह। अल्लाह, नाज के चेहरे पर ना आपका नूर चढ़ता ही जा रहा है, पसंद आ गए आप उसे? क्या बात है आदिल, आपके चेहरे पे ये मायूसी, सब ठीक है? नाज ने कुछ कहा क्या? जैसा उसका नाम है ना, वैसे उसके भाई ने उसे बड़ा किया है, नाजों से, थोड़ी नादान है, बट उसकी गुस्ताखियों को ना अपने दिल से ना लगाइएगा। आपको तो पता ही है उसे फिल्में देखने का कितना शौक है, उसे लगता है जिंदगी भी फिल्मी पर्दे की तरह रंगीन और खुशियों से भरी होती है। पर नाज ना थोड़ी नादान है, पर दिल की बहुत मासूम है, इसलिए उसका ध्यान रखिएगा, कभी दर्द मत दीजिएगा उसे। जी बिल्कुल जैनब भाभी, बस थोड़ी घबराहट जरूर हो रही है, कुछ इतनी जल्दी में हो रहा है ना, तो थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। हम खाना लगाते हैं, अक्की को बहुत भूख लग रही होगी। जी, आज इन्हें लौटने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। सिर्फ यही एक रास्ता है अंदर जाने का,
ये बहुत ही सकरा रास्ता है, मैं अंदर कैसे जाऊंगी? शायद इसे कट करने में कोई मदद ही मिल जाए। पापा मेरी मदद करना। वो देखो वो क्रॉस करने जा रही है, जैसे ही वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर घुसेगी हम सिक्योरिटी को अलर्ट कर देंगे। उनकी आंखें बाघ की आंखें हैं जनाब, उधर देखिए सीसीटीवी कैमरा, इसमें सब रिकॉर्ड हो जाएगा। वो इसकी हिमाकत जरूर देखेंगे, फिर इसे उठाकर जेल में भी डालेंगे। की आवाज है यार, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। ओके ओके रिचा मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? ये तो श्लोक की आवाज लग रही है। श्लोक की आवाज है। कहीं इसने मुझे गणेश वंदना गाते हुए देख तो नहीं लिया, और कहीं राज खोल तो नहीं गया कि आदिल बनके संस्कृत के श्लोक और गणेश वंदना मैंने गाया है। अरे यार अब बचने का कोई चांस नहीं। वो रही। यकीन से कह सकता हूं कि ये लड़की सुमित हो ना हो उसी जासूस से बात कर रही है। जी जनाब। थैंक यू पापा, आप श्लोक को मेरे इतना करीब ले आए, मुझे यकीन है आप जल्दी मुझे उससे मिलवा भी देंगे। तुम्हें कुछ पता करने के लिए कहा था, जानकारी मिली? जी जनाब, आज रात को हम लोग वहां रेड डालने वाले हैं। शाबाश, इस लड़की ने बहुत दबाया है, इसके किए की सजा इसका काफिर शोहर भुगतेगा। एक एक सांस का बदला तुम्हें। चलो
मुझे पूरा यकीन है पापा, वो मेरा श्लोक ही था। वो यहाँ आया था, वो आवाज मेरे श्लोक की ही थी, पर मैं उसकी झलक भी नहीं देख पाई। कि श्लोक यहाँ पे रह रहा होगा, इम्पॉसिबल। चलो यहाँ से, वैसे भी बिलावल हमारा दुश्मन बना बैठा है। जीजा, लेकिन ये बिल श्लोक के पास से मिला है और इस पर यहीं का एड्रेस है। इससे पहले कोई हमें यहाँ देख ले, प्लीज यहाँ से चलो। शायद ये सिर्फ किसी और की होगी यार, गलती से मैंने श्लोक की समझ ली। प्लीज चलो। श्लोक भी ना हमेशा जूते ऐसे उतारता है। कितनी बार बोला है जूते उल्टे रखने से बैड लक आता है। तुम जैसी बीवी हो तो औकात किसी बैड लक की जो मुझे छू भी पाए। रिचा, वो जूते देख रही हो? श्लोक हमेशा अपने जूते वैसे ही रखता है और वो साइज भी उसी का है। और उसके उसके पास वो छोटे वाले जूते देख रही हो, वो लगभग अक्की का साइज होगा। हद है यार सुमित, जूते के बेसिस पे तुम घर में एंटर करोगी, इतना बड़ा रिस्क लोगी। देखो रिचा, हमें यहाँ गणपति पप्पा ने भेजा, उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। और मेरा दिल मुझसे बार बार कह रहा है कि श्लोक यहीं कहीं हमारे आस पास। अगर तुम्हें शेर के मुँह में हाथ डालना है ना, तुम डालो, मैं नहीं डालूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। रिचा,